Lekin, sorry, what is your question? The 15 years of music. Ah, yes. The collaboration of... जो कोलैबोरेशन है शंकर एहसान लॉय के साथ एक्सेल एंटरटेनमेंट का पिछले 16 सालों से वो मतलब एक बहुत ही स्पेशल रिलेशनशिप है हमारे कंपनी के लिए मेरे लिए एज अ डायरेक्टर इतनी सारी फिल्में हमने एक साथ की हैं दिल चाहता है लक्ष्य डॉन जिंदगी ना मिलेगी दोबारा रॉक ऑन दिल धड़कने दो और बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जो हमने साथ की हैं तो टू ब्रिंग इट टुडे टू गेट शंकर एहसान लॉय एंड एक्सेल टुगेदर ऑन स्टेज to perform together, to celebrate this relationship that we've had for the last 15, 16 years, and to use this occasion to share with our audiences and our fans out there our latest collaboration, which is Rock On 2, is something that's very special, and this makes this event very special for us. Who do we have performing here, Farhan? If you could just take them through who we have, the entire team Magic who's performing here. Pehle to Shankar Ehsan Loy perform karenge. उसके बाद सिद्धार्थ महादेवन भी आए हैं सुकृति भी आए हैं जो उनके सिंगर्स हैं रमन हैं यहाँ हैं उसके बाद आई विल बी परफॉर्मिंग विद माय बैंड एंड देन देयर इज अ न्यू मेंबर ऑफ रॉक ऑन टू एंड ऑफ द मैजिक बैंड विच इज श्रद्धा हु विल बी जॉइनिंग अस ऑन स्टेज एज वेल एंड सिंगिंग अ कपल ऑफ द सॉन्ग्स दैट शी सांग इन द फिल्म एनी क्वेश्चंस गाइस Okay, come. We have Shraddha. Come in. Smita ji, aap wapas aaye. Sorry. ये हमारी बैंड की एक प्रॉब्लम है पहली फिल्म से आप देख रहे हैं कि लोग लेट थोड़े धीरे धीरे आते रहते हैं स्टेज पर एग्जैक्टली लाइक दैट वी स्टिल वेटिंग फॉर जो और देन मे बी यू कम अर्ली नहीं यार जो एंड केडी विल नाउ जॉइन अस वेरी वेरी सून सॉरी आप कुछ पूछ रही थी आठ साल हो गए हैं पहले फिल्म से अब तक तो थोड़ा बहुत एक जो कैरेक्टर्स हैं इस फिल्म में एक मैच्योरिटी तो आई जाएगी आठ सालों में तो थोड़ा बहुत ऑफकोर्स चेंज आया है म्यूजिक और उसके साउंड में और उसके अलावा जो नए मेंबर्स हैं इस बैंड के जो जो किरदार श्रद्धा प्ले करती हैं जिया और एक शशांक भी जो आते हैं जो वो सरोद प्लेयर हैं तो उनके जो इन्फ्लुएंसेस हैं और उनके जो म्यूजिकल बैकग्राउंड है वो भी एक साथ होकर एक नया साउंड तो क्रिएट करता है तो एल्बम 21 तारीख को रिलीज होगा जूक बॉक्स पे सावन पे गाना आईट्यून्स इन सारे प्लेटफॉर्म्स पे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे ऑन द 21st तो तब आप को सुनने को मिलेगा कि क्या अलग है Thank you.
Shujat ko kaise suja. Actually, this was a marketing plan put together by Ritesh and Z. So we wanted to do something because Rock On 2 is about, you know, music. The ideal thing would have been to do like a rock concert, a music concert featuring, you know, all the cast and the music directors, Shankar, Ehsan and Roy, they're all here. So basically to give everyone, all of you, a treat of what is to come in Rock On 2. So that was essentially the thought behind, you know, doing a concert. अर्जुन की एंट्री हमेशा ग्रैंड ही होती है तो एक्साइटेड है इनफैक्ट ऑल ऑफ अस हैव ऑल द कास्ट हैव बीन परफॉर्मिंग अ लॉट फरहान हैज हिज बैंड व्हिच यू नो गोज ऑन टूर्स शंकर एहसान लॉय एंड द रेस्ट ऑफ देम नन ऑफ देम आर न्यू टू स्टेज सो आई थिंक यू नो देयर इज ऑफ कोर्स अ बिट ऑफ नर्वसनेस इन टर्म्स ऑफ अनवीलिंग आवर म्यूजिक बट देयर इज ऑल्सो अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट इन टर्म्स ऑफ द परफॉर्मेंसेज and that is Shashank, who is the new member of our band. Please welcome him. First of all, good evening, everyone. And yes, it is a bahut hi exciting day hai mere liye. First time main live perform karne wali hu. Puri raat nahi soi. And so it's a mixture of excitement and butterflies. And yeah, I hope I don't disappoint the crowd. And it's a real honor for me. Bahut garv mehsoos ho raha hai ki it's a dream come true to be a part of Rock On 2 and finally to be on stage. So I have to pinch myself. Yakeen nahi ho raha ki aaj ka din actually aa gaya hai. So it's a very big deal for me. तो आज हमारा जूक बॉक्स भी लॉन्च हुआ है ओह सॉरी और अगर वो आपको सरप्राइज अभी बता देंगे तो अंदर क्या फायदा होगा सरप्राइज अभी नहीं बता सकते ना फिर अंदर कुछ सरप्राइज के लिए बचेगा नहीं हाँ करेक्ट सो आप कॉन्सर्ट देखिए फिर आपको पता चलेगा नहीं मतलब ये चीजें मतलब आप प्लान नहीं कर सकते लेकिन जब हमने वो बैकग्राउंड पीस रिकॉर्ड किया था जब वो क्लिप सीक्वेंस है लक्ष्य में तो एहसान ने ये रिफ बजाया था तो मुझे बहुत पसंद था इट स्टेड विद मी तो जब हम रॉक ऑन का एल्बम कर रहे थे तो एक बहुत लंबी कॉन्वर्सेशन हुई लॉय शंकर एहसान हम सब साथ थे और सब कह रहे थे कि एक टाइटल ट्रैक होना चाहिए दैट वाज द लास्ट सॉन्ग टू बी रिकॉर्डेड द रॉक ऑन टाइटल ट्रैक तो डिस्कशन हो रही थी कि क्या हो सकता है तो देन इट जस्ट केम बैक यार वो लक्ष्य में वो जो था टिंग डिंग वी शुड यूज दैट एंड पुट दैट इन देन एंड फ्रॉम दैट इट बिकेम द सॉन्ग और इतने लोगों ने जब वो गाना सुना भी कितनों सब पहचान पाए कि लक्ष्य के वो बैकग्राउंड में था And it's just now got an identity, I think, of its own. हमारे हम सब के जाने के बाद वो बचता रहेगा कहीं ना कहीं Yeah, so, but yeah, it's really been a very special tune for a long time. एकदम ऊपर at the top. It's done. No, I mean, it's a special film. इट्स हमारी जो एक्सेल में जो फरहान और हमने जब कंपनी शुरू की थी आ फर्स्ट फिल्म वॉज दिल चाहता है जिसको एक नेशनल अवार्ड मिला विच वॉज अ बिग ऑनर एंड देन आफ्टर दैट इट वॉज रॉक ऑन विच गॉट रिकग्निशन बाय द प्रेजिडेंट एंड द कंट्री टू इट इज अ वेरी स्पेशल फिल्म आज वी आर सेलिब्रेटिंग दैट द लॉन्च ऑफ इट दैट इज वाई म्यूजिक आज सिर्फ यहां के लिए वी आर जस्ट इट्स लाइक अनाउंसमेंट ऑफ द म्यूजिक कमिंग ऑन 21st एंड इट्स ऑल्सो आज के वी आर सेलिब्रेटिंग द 15 ईयर्स of Excel so there'll be a lot of music from all the films which we made till now and yeah it's one of the most special films for us I actually want to add something to that ki Rock On kitni special film hai I think 8 years back it released right how many 8 years back to 8 saal pehle release hui thi aur main apne parents ke sath gayi thi aur apne bhai ke sath gayi thi film dekhne
और जब फिल्म खत्म हुई वी वर ऑल रियली अमेज्ड. माय पेरेंट्स लव्ड द फिल्म, माय ब्रदर लव्ड द फिल्म. आई मीन इंडियन सिनेमा में ऐसे कोई रॉक फिल्म पहले कभी नहीं देखी थी. तो जब फिल्म खत्म हुई मैंने कहा अपने पेरेंट्स से कि अगर ये सीक्वल बनाएंगे तो इसमें मैं हूंगी एंड आई मीन इट टुडे. सो दैट्स कहते हैं ना पावर ऑफ द यूनिवर्स, तो वो एक्चुअली हो गया है. एंड या इट हैड अ रॉक ऑन हैड अ वेरी बिग इम्पैक्ट मुझ पर और मेरे भाई पर एंड नॉट जस्ट ऑल माई फ्रेंड्स ऑल्सो. इट वॉज अ कल्ट फिल्म सो दे हैड टू मेक रॉक ऑन टू विथ मी इन इट. Patience. I'm just about to sing. I would love to, you know, I mean, I love singing, but I will stop myself now and save it for the stage.